हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके लर्निंग। सो फ्रेंड्स, अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का 10th और 11th सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस कीजिए आप बोर्ड पे, ठीक है। तो अब 10th सम क्या है हम देखते हैं। इन द फिगर एक्स इज एनी पॉइंट, एक्स है ना कोई भी एक पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ ट्रैंगल, बराबर। पॉइंट एक्स इज ज्वाइन टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रैंगल, ठीक है। और ये जो पॉइंट एक्स है ना, ये हमारे कोई एक ट्रैंगल है उसके वर्टाइसेस को, मतलब कोनों को ज्वाइंट है, ठीक है। तो चलो, तो अब यहाँ पे क्या बोला है ये लोगों ने, सेगमेंट ये जो है हम लोगों का पी क्यू, कौन सा सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है काई से, डी ई से। और ये जो क्यू आर है ये किससे पैरेलल है हमारा, ई एफ से। हमको है ना यहाँ पे खाली ये क्या बोलते हैं बॉक्सेस भरने हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये एक एक्टिविटी जैसा सम है हमारा, ये हम सॉल्व करते हैं। इन ट्रेंगल क्या दिया है यहाँ पे, एक्स एक्स डी ई, बराबर। एक्स डी ई पी क्यू क्या है हमारा, पैरेलल है डीई से। अब ये पी क्यू पैरेलल डीई से, ये हमको कहां पे दिया हुआ है, तो ये हमको कहां से मिलता है दोस्तों, गिवन से, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाया है हम लोगों ने, किसमें, एक्स डीई में। तो क्या होएगा इसका रेशियो, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स पी अपॉन क्या लिखूंगा मैं, पी डी। और यहाँ पे क्या है ये क्यू, क्या लिखा हुआ है ये, एक मिनट, क्यू ई अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, क्यू एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्यू क्यू क्यू, ठीक है। तो ये क्या है, क्यू ई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब ये किस तरीके से किया है, ये बीपीटी हमने यहाँ पे पुट किया है, क्या हो गया, ये एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ठीक है, ये कर दिया। फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का, एक्स ई एफ एक ट्रेंगल है, क्या है, एक्स ई एफ। यहाँ पे क्या बोला है, क्यू आर पैरेलल का इसे है हमारा ई एफ से। ये कहां से मिल रहा है हम लोगों को, तो ये है हमारा क्या, गिवन। अब यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम यहाँ पे लगाना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये कौन सा है, एक्स ई एफ है ना, तो यहाँ पे क्या होएगा हमारा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई होएगा। और दूसरा क्या होएगा हमारा, एक्स आर अपॉन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एक्स आर अपॉन आर एफ, ठीक है। तो फ्रॉम वन एंड टू से अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो ये और ये तो कैंसल हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, ये और ये हमारा यहाँ पे कैंसल हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइनली, तो हमारा बचेगा क्या, तो एक्स पी अपॉन पी डी बचेगा ये, और एक्स आर अपॉन आर एफ बचेगा, क्या बचेगा हमारा, एक्स आर अपॉन आर एफ, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोगों को अब बस खाली ये लिख देना है, तो क्या करूंगा मैं, एक्स पी अपॉन पी डी आ गया हमको, और क्या आएगा हमारा, ये दोनों पे क्रॉस है ना, वो मत लिखना, और ये आ गया एक्स आर अपॉन आर एफ। अगर आप ध्यान से देखो तो कहां पे है ये, एक्स पी, ठीक है, अपॉन पी डी, हाँ, और ये क्या है हमारा, एक्स आर अपॉन आर एफ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पी आर पैरेलल है कैसे, डी एफ से। और क्या लिख दिया यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा 10th सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं कौन से, 11th सम की ओर, जो कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रेंगल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इजी सम है, हम इसको फटाफट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस कीजिए आप बोर्ड पे, क्या दिया हुआ है, इन ट्रेंगल ए बी सी रे बी डी, रे बी डी क्या कर रहा है यहाँ पे, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को, ठीक है। अगर ये ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों का क्या बनेगा यहाँ पे, ए डी अपॉन डी सी और ए बी अपॉन डी सी बनेगा। और फिर ये जो सी ई बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा, ए ई अपॉन ई बी और ए सी अपॉन डी सी, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा,
हाँ, तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रेंगल यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये सेगमेंट ए बी और ए सी हम लोगों को इक्वल दिया है, हमको प्रूव करना है ई डी पैरेलल टू बी सी। हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे और ये हमारा हम पैरेलल इसको साबित कर देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम से। कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम से हम लोग इसको पैरेलल प्रूफ कर देंगे। तो प्लीज आप फोकस कीजिए बोर्ड पे, किस तरीके से हम लोगों को इसको प्रेजेंट करना है वो हम अभी देखते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इन ट्रेंगल ए बी सी क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, रे बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी। उसके बाद में हम लोगों को क्या लगाना है यहाँ पे, तो देयर फॉर बाय क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या लिखा मैंने, ये ट्रेंगल। तो कौन सा था हमारा, तो ये जो है बी डी, बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए डी अपॉन डी सी। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। इसको मैंने दे दिया नंबर वन। फिर उसके बाद में मेरे को जो जो चीज पता है ना वो मैं लिखते जाता हूं यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या पता है हम लोगों को, तो रे हम लोगों का क्या है, सीई बाइसेक्स एंगल ए बी सी, ठीक है। अब ये सीई बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए ई अपॉन ई बी और ए सी अपॉन डी सी। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। इसको नंबर टू मत दो, एक मिनट, ये हम ये यहाँ पे लिखना भूल गए, तो अब कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। हम लोग ये ऊपर लिखते हैं अक्सर, अभी हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख दिया, कोई वादा नहीं। अब बट हम लोगों को तो ये पैरेलल साबित करना है, क्या ईडी हमारा क्या होना चाहिए था, एई अपॉन ई बी और एडी अपॉन क्या आना चाहिए, डीसी। बट ये तो कुछ अलग आ रहा है हम लोगों को, तो इसको हम लोगों को यहां से निकालना पड़ेगा। अब ये तो कट भी नहीं सकता है क्योंकि यहां पे ए बी है, यहां ए सी है, बट यहां पे देखो एक है यहां पे, कुछ तो है यहां पे हमको मिला। बट मैं लिखता हूं यहां पे, बट क्या लिख रहा हूं मैं, सेगमेंट ए बी। क्यों ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, ये ऐसे स्टेप मत करो, हाँ डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं हम लोग, ए अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए सी को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं दोस्तों, ए बी से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। क्या किया मैंने, इसको ए बी से इसको रिप्लेस कर दिया, और मैंने यहां पे वहां पे ए बी लिख दिया। और ये क्यों लिखा आपको भी पता है, क्यों क्यों, क्योंकि मैं यहां पे अब रीजन लिखने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो है क्या है, सिंस ए बी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है हमारे सेगमेंट ए सी से। हमको देखो यहां पे क्या करना था, कॉमन करना था, ये अगर हट जाएंगे हमारे तो क्या हो जाएगा, हमको ए ई अपॉन ई बी आ जाएगा और ए डी अपॉन सी ई आ जाएगा। तो इससे हम लोग बोल सकेंगे कि ई डी पैरेलल है हमारा कैसे, बी सी से, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। बस हमने इसी के लिए ये ए सी को यहां से हटाया है, इसको हटा दिया, अब हमारा काम आसान हो चुका है। तो ये जो है ए बी अपॉन बी सी और ए बी अपॉन बी सी अब हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो अब ये यहाँ पे हम लोग आराम से इसको नंबर टू दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको नंबर टू दे सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे अब लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, फ्रॉम वन एंड टू हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए अपॉन क्या होता है भाई, ई बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, ये हम लोगों को वन एंड टू से मिला है। जब अगर हम लोगों ने इसको इक्वल डाल दिया तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं अब क्या, कि देयर फॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक। अब देखो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम हमको यही बताता है कि अगर कोई भी ट्रेंगल है वहां पे जो दो लाइंस है, मतलब जो साइड है, सॉरी एक लाइन जो है वो पैरेलल है एक साइड से, तो अगर वो रेशियो इक्वल है हाँ तो वो क्या होता है, वो जो लाइंस है वो पैरेलल होते हैं। तो यही कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम हमको बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम हम लोगों ने लिख दिया, और मैं यहां पे एंड में ये बोलना चाहता हूं कि देयर फॉर क्या है हम लोगों का, ईडी पैरेलल है काय से, बीसी से, और ये हो चुका है हमारा प्रूफ। आई होप कि आपको ये दोनों सम जो थे हमारे 10th और 11th सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग नए हैं व्यूवर्स हैं वो भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स साथ में मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में इसमें कमेंट कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स वंस अगेन थैंक यू, जय हिंद।